नमस्कार दर्शकों, वेब दुनिया पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो छोटी सी उम्र में बड़ी समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? मैं काफी समय पहले एम्बाय हॉस्पिटल गया था और उसके बाद मैं वहाँ पे ब्लड डोनेशन करने गया था। मैंने वहाँ पे एक अम्मा को देखा कि वो बेचारा निराश्रित थी, तो मैं उस अम्मा को अपने घर लेके आ गया और शुरुआत में मैं उनको अपने घर लाके उनको सेवाएं दी और उनके साथ ही मैंने ये काम स्टार्ट किया था। अब धीरे धीरे फिर एक व्यक्ति की हेल्प करी, दो व्यक्ति की हेल्प करी, फिर दूसरी बार ये जो है दो अम्मा आ गई, तीन अम्मा आ गई, फिर अपन ने एक नया किराए का मकान लिया और आज इस किराए के मकान में अपन 7 से 8 लोगों को मतलब यहाँ पे रखा हुआ है जो बेसहारा निराश्रित है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, ये लोग हमारे साथ ही रहते हैं। आपको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है इसमें? नहीं, यहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। मैं शेयर ब्रोकर हूँ और मैं अपनी इनकम का ही 70-80% जो मतलब इनकम होती है वो यहाँ खर्च कर देता हूँ। और मेरे साथ कुछ दोस्तों जुड़े हुए हैं जो हर महीने 200-400 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूट करके हम रेंट देने के लिए, तो हर महीने हमको रेंट देने की परेशानी होती है तो वो हम लोग दोस्त मिलकर बेयर करते हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस मैं खुद कर लेता हूँ। समाज सेवा का कार्य क्या है, इसका किसी प्रकार का पारिवारिक विरोध हुआ आपका? नहीं, मेरी फैमिली में और मेरी मम्मा है और मेरी छोटी सिस्टर है, तो छोटी बहन तो हॉस्टल में रहती है और मम्मा ने हमेशा मुझे हर चीज के लिए मोटिवेट ही किया है, उन्होंने कभी मुझे कुछ बोला नहीं और हमेशा मोटिवेट करती है वो मुझे। किसी राजनीतिक दल या संस्था या नेता ने संपर्क किया आपसे? हाँ, 2-3 नेताओं ने संपर्क किया था और वो आए भी थे यहाँ पे, उनका फोटो सेशन भी किया, बोले हम मदद करेंगे, उसके बाद कभी वो आए भी नहीं और ना उनका कॉल आया। क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं से? मैं युवाओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे छोटा छोटा सोशल वर्क या समाज सेवा के लिए कार्य करते रहें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अकेला हूँ लेकिन आज जब मैंने स्टार्ट किया था जब मैं अकेला था, लेकिन आज की बात करें तो आज बहुत सारा युवा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि हर युवा छोटे छोटे लेवल पे सोशल वर्क करते रहे जिससे जरूरतमंद को उनकी सहायता मिलती रहे। तो ये थे यश पाराशर जो बहुत ही अच्छा समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है क्योंकि आज का युवा विलासिता की तरफ भाग रहा है। वेब दुनिया न्यूज के लिए सुधीर शर्मा।